अजमेर नगर निगम डिप्टी मेयर के चुनाव में रणजीत सिंह नरूका ने निर्दलीय के रूप में अपना नाम वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने का समय होने के साथ ही अजमेर के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत और भाजपा के डिप्टी मेयर प्रत्याशी नीरज जैन नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भाजपा से बागी होकर वार्ड 57 से विजयी होने वाले रणजीत सिंह नरूका से मान मनोबल किया और उन्हें समझाया। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बीजेपी के समर्थन में अपना नाम लिया है और कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसके चलते उन्होंने नाम दाखिल किया, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों और सभी के सहयोग से नाम वापस ले लिया है और बीजेपी को समर्थन दिया गया है जिससे कि बीजेपी का डिप्टी मेयर बने और शहर का विकास हो सके। कुल पार्टी हित में मैंने नाम वापस लिया, नीरज जी के पक्ष में मैंने नाम वापस लिया है। उपमा जी हाँ, जी हाँ, जी नहीं, बातचीत पार्टी हित के अंदर, हमारे शहर के हित के अंदर मैंने नाम वापस लिया। अच्छा, तो पार्टी से भी पहले आपने टिकट मांगा था तो क्या नहीं, तो फिर वो नाराजगी दिखने में सामने आ रही है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं उसकी। क्या बात हुआ, क्या शहर अध्यक्ष से कोई बातचीत हुई है पार्टी में वापसी? हाँ, पार्टी इतने हुई है बात, मैंने बताया ना था, हमारे पूर्व महापौर महोदय साथ में हैं, नीरज जी कुछ साथ में हैं, उनके आज्ञा का मैंने पालन किया है। शहर के विकास के लिए जो मुहिम नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की, अजमेर के विकास के पथ को दौड़ाने की, जो बागडोर धर्मेंद्र गहलोत जी ने संभाली थी, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए मिलकर के साथ काम करेंगे। यही हमारा ध्येय और उद्देश्य है कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है, कांग्रेस के विचार को नकारा है, कांग्रेस की नाकामी के कारण से, 2 साल के उनके प्रशासन की नाकामी के कारण उसको नकारा है। इस कारण से हम मिलकर के भाजपा के बोर्ड में साथ काम करेंगे और इस बोर्ड को यशस्वी बनाएंगे। कितने मतों से जीत का अंदेशा आपको है? जनता ने जिता के भेजा और सभी पार्षद भाइयों का प्रेम मेरे साथ में है, इसने सन्नू भाई हमारे साथ में है, तो ये वो लोग हैं जो इस शहर का विकास चाहते हैं। मोदी जी में आस्था इनकी है, मोदी जी के काम में आस्था इनकी है और उस विकास के पथ पर ही हम सब मिलकर के साथ चलेंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, वही तमाम पार्षदों को साथ लेकर इन सरकार की योजनाओं को हर वार्ड में पहुँचा पाएंगे? देखिए, ये काम तो पहले से हो रहा था, अनवरत हमारे पूर्व महापौर द्वारा जिस प्रकार का काम किया उसी का सुपरिणाम है कि पिछली बार हम 60 में 31 जीते थे, इस बार 80 में से 48 जीते भाजपा के चिन्ह में, और इसके अतिरिक्त जो निर्दलीय भी जीत गया है वो कहीं ना कहीं हमारे विचार से और हमारे काम से सहमत है, भाजपा के काम से सहमत है, हमारे बोर्ड के काम के पक्ष में है। इस कारण से निश्चित रूप से आने वाला समय भाजपा के बोर्ड को और यशस्वी बनाएगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया 5 साल में उसी का सुपरिणाम है कि इतने ज़्यादा भारी मतों के साथ में, इतने साथ बहुमत के साथ में भाजपा जीत गई।